टू माई चैनल और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इज दिस इंटरेस्टिंग आई एम नॉट श्योर सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट पैच टेस्ट. अब आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स ब्यूटी ब्लॉगर्स सबको बोलते हुए सुना होगा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सूट ना करे तो डू अ पैच टेस्ट. अगर आपको कोई चीज़ देखनी है इट इज़ गुड फॉर योर स्किन और नॉट डू अ पैच टेस्ट. अगर आपको कुछ खरीदना है तो डू अ पैच टेस्ट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ पैच टेस्ट अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करें और नीचे जाके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि व्हाट इज़ अ पैच टेस्ट. एंड अगर आपको नहीं पता है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. तो एग्जैक्टली पैच टेस्ट इज डन इन मेडिकल इंडस्ट्री उसमें ये देखने के लिए कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है तो उससे आपकी स्किन आपकी बॉडी को कोई इरिटेशन या कुछ यू नो एलर्जी तो नहीं होती है उसके लिए पैच टेस्ट किया जाता है. नॉट द नेम पैच टेस्ट व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन इज कि एक बहुत ही छोटा सा पैच एरिया ऑन योर स्किन दे टेक दैट पार्ट पैच कहते हैं उस पार्ट को और उस पर वो सब्सटेंस वो यू नो लगा के देखते हैं कि आपको कोई उससे एलर्जी या इरिटेशन तो फील नहीं हो रही है एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड पैच टेस्ट. अब हमारी स्किन केयर इंडस्ट्री में एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में हाउ वी एक्चुअली डू अ पैच टेस्ट नाउ दैट इज़ समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता. वो लोग यहाँ पे कुछ लगा के बस देख लेते हैं मिक्स करके देख लेते हैं एंड देन दे फील कि ओ कुछ भी नहीं हुआ है. सो दिस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर मी एंड दिस वर्क्स फॉर मी वेल एंड गुड एंड दैट बट वो बहुत ही गलत तरीका है. देर इज़ अ वे पैच टेस्ट करने का भी तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. सो देर आई थिंक टू वेज मैं जो पर्सनली फॉलो करती हूँ देर आर टू वेज. सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्चुअली टेस्ट द प्रोडक्ट इन साइड योर यू नो एल्बो एरिया. सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर हमें पैच टेस्ट करना चाहिए. नाउ वॉट यू विल डू आपको जो भी प्रोडक्ट टेस्ट करना है कि इट इज़ सूटेबल फॉर योर स्किन और नॉट आप उसको यहाँ पर प्लेस करो थोड़ा सा रब करो उस पर आप एक बैंडेज लगा दो ओके एंड उसे एक दिन के लिए उस बैंडेज के अंदर उस प्रोडक्ट को रहने दो एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस पर पानी ना लगाएं. सो या जैसे आप नॉर्मल बैंडेज के साथ भी करते हैं ट्राई टू अवॉइड कि उसमें डस्ट वाटर इन सब के कॉन्टैक्ट में वो चीज़ ना आए एंड अगले दिन आप उसको खोलो और देखो. नाउ यू विल सी सम ऑफ दीज थिंग्स अगर आप को उससे कुछ रिएक्शन हुआ है. फर्स्टली देयर यू माइट फील समथिंग अनयूजुअल अबाउट योर स्किन. रेडनेस हो सकती है इचिनेस हो सकती है एंड इन एक्सट्रीम केसेस यू कैन हैव शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ. यू नो दैट इज़ वेरी अनलाइकली कि कोई प्रोडक्ट आपको इतना ज़्यादा यू नो रिएक्ट कर जाए बट एक्सट्रीम केसेस में ऐसा हो सकता है. स्किन पे कुछ भी अनयूजुअल लग रहा हो सो दैट मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड फॉर यू उसने आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किया है. सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ दैट प्रोडक्ट ऑन योर स्किन. नाउ द सेकेंड वे इज़ जो मैं करती हूँ पर्सनली वो ये है कि अपने कान के पीछे यहाँ पे आप वो प्रोडक्ट रात के टाइम लगाए और रात को सो जाए. अब आपकी पूरी रात होती है स्किन पे अगर उसे रिएक्ट करना होगा वो रिएक्ट कर लेगा. तो सुबह उठ के आप अगर अपने यू नो यहाँ पे अगर आप फील करें अगर आपको कुछ अनयूजुअल हो रहा है टिंगलिंग सेंसेशन रेडनेस इचिनेस कुछ भी अनयूजुअल फील होता है तो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड फॉर यू. आप उसे फेस पे तो मत लगाइए. अगर आपको कोई फेस के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक यू शुड टेस्ट इट बिहाइंड योर ईयर्स बिकॉज दोनों ही एरिया जो है आपका ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. यहाँ की स्किन भी आपकी उतनी ही डेलिकेट होती है जितनी डेलिकेट आपका फेस का स्किन होता है. सो दैट्स वाई एंड अगर आप बॉडी के लिए कुछ देख रहे हैं दिस प्लेस इज परफेक्ट. सो दीज आर द टू मेथड्स जो मैं ट्राई करती हूँ. स्टिल बींग अ यूट्यूबर मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली फेस पे भी अप्लाई करने होते हैं क्योंकि मुझे उसका रिव्यू करना होता है. बट बींग अ नॉर्मल पर्सन आप प्लीज़ पैच टेस्ट हमेशा करें. इससे आपके काफ़ी यू नो बेनिफिट्स होते हैं. आपकी स्किन को रिएक्शन नहीं होगा और काफ़ी बार होता है कि आप बहुत महंगे सामान ले लेते हैं और फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है दैट द प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड फॉर यू. सो इट विल इवन सेव यू मनी एंड आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू विल बी वेरी कॉशियस व्हेनेवर यू आर बाइंग एनी न्यू
stuff or using any new product on your skin. So yeah, this was my complete informative video. If you like this video, give this video a thumbs up. Subscribe to my channel, yaar. Itne mast mast main aapko ideas aur information deti hoon. Itne acche acche hacks batati hoon. So uske liye aap please mere channel ko subscribe kar de. Mere video ke just niche ek subscribe ka button hoga. Aapko bas wahan pe jaake use click karna hai. Uske paise nahi lagte hain. And uske saath mein ek bell icon hai. Aap use bhi click kar de taki agli baar main koi achhi videos banao to aapko sabse pehle notify ho jaye. Comment section mein jaake बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी और आप किसके बारे में जानना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनके साथ शेयर करें जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे यूज़ करते हैं. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम. सो डोंट बी सेल्फिश. ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो प्लीज़ ये ज्ञान को बांटें. एंड या टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय.